ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में दोषी दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उपनिदेशक शैलेश पंडित को 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 14 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी उन्हें। सीबीआई की विशेष अदालत में शैलेश पंडित पर 10,000 रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ है। शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के में दूरदर्शन केंद्र रांची के एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप था। रांची दूरदर्शन केंद्र के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश पंडित के सीबीआई केस नंबर RC 6/2015 में आज साझा बिंदु पर सुनाई और आदेश के लिए लंबित था। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद शैलेश पंडित मुदालय शैलेश पंडित को धारा 7 प्रिवेंशन पर्सनल एक्ट में 3 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त RI का तथा धारा 13(2) PC एक्ट रेडियो सेक्शन 13(1)(d) ऑफ PC एक्ट में 4 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना नहीं देने पर 8 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में बीते दिन 8 मार्च को हुए रिटायर्ड पोस्ट मास्टर की हत्या का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP सेंट्रल डी अमरकेश ने बताया कि दानापुर में पूर्व में रहने वाले सकलदेव सिंह रिटायर्ड पोस्ट मास्टर की हत्या उनके ही गाँव के रहने वाले सूरज राय ने अपने साथी अपराधियों के साथ मिलकर की। हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद है जो लगभग 20 वर्षों से चलता आ रहा था। वहीं इस मामले में पकड़े गए अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। होली के 2 दिन पहले एसके पुरी थाना के अंतर्गत शकलदेव सिंह नाम से कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है, अराउंड 71 ईयर्स ओल्ड है ये। इनका हत्या हुआ था 8th को, तो पुलिस वाले तुरंत एक टीम गठन किए थे DSP सचिवालय के नेतृत्व में। उसमें डायल 100 के और सेल के भी कुछ ऑफिसर्स थे, तो ये लोग इन्वेस्टिगेट किए थे और इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ पता चला था कि ये जो शकलदेव सिंह है ये शाहपुर थाना के अंतर्गत चांदमारी एक गांव के रहने वाले थे और उसमें देवेंद्र राय और उनके 3 बेटे सोनू राय और सूरज राय और एक और व्यक्ति, ये इन लोगों के साथ कुछ जमीनी विवाद कुछ चल रहा था पिछले 20 साल से, तो उसी के क्रम में ये लोग हत्या किए थे शकलदेव सिंह को। इसमें ऑन द स्पॉट ये कुछ CCTV फुटेज सब भी हम लोग एनालिसिस किए थे, तो उसमें ये सूरज राय इसका फुटेज भी आया था, तो उसी को हम लोग गिरफ्तारी किए हैं। वहीं शहीद चौक स्थित रांची विश्वविद्यालय के सभागार में रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्यों की बैठक रखी गई। यह बैठक कुलपति की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सिंडिकेट के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। कुलपति डॉ. रमेश पांडे ने कहा कि सिंडिकेट की आकस्मिक बैठक बुलाई गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी कॉलेजों के एफिलिएशन को लेकर डेडलाइन जारी कर दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय से जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनका एफिलिएशन देने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सभी कॉलेजेस के एफिलिएशन की एक डेडलाइन की गई है। BEd कॉलेजेस के संबंध में विश्वविद्यालय से एफिलिएशन के प्रस्ताव 20 तारीख तक सरकार के समक्ष चले जाने हैं। इसके पूर्व इन कॉलेजेस के निरीक्षण होने हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट एफिलिएशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जानी है और एफिलिएशन कमेटी के द्वारा पारित प्रस्ताव को सिंडिकेट के समक्ष रखना है। BEd कॉलेज से संबंधित सभी प्रस्तावों को आज सिंडिकेट के समक्ष रखा गया। जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनको एफिलिएशन देने का, तो अभी सरकार से ऊपर से लेटर आई हुई है तो उन लोगों को एप्लीकेशन दिया जा रहा है, लेकिन एक ही साथ 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। तो वही हम लोगों ने विषय रखा कि एक ही साथ यदि 3 वर्ष का आप यदि एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उनसे 3 वर्ष का फी भी लिया जाए। यदि वो छात्र से या बाकी वो प्राइवेट जो भी BEd कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज नर्सिंग कॉलेज ये सारे लोग
फी ले लेते हैं उनसे 3 वर्ष का, लेकिन एफिलेशन 3 साल का दे रहे तो 3 वर्ष का फी भी विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए। इस राजस्व से विश्वविद्यालय का अन्य काम में जैसे वेतन मद या अन्य मद में उससे कुछ सहयोग भी मिलेगा। वहीं यदि आप अब अपना बीमा कराना चाहते हैं तो बीमा करवाने से पहले आपको कोरोना वायरस के टेस्ट से गुजरना होगा। बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराने आए लोगों का पहले मेडिकल जांच किया जाएगा, उसके बाद ही बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर LIC के शाखा प्रबंधन मोहम्मद असलम अंसारी ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा भी कई एडवाइजरी जारी किए गए हैं। रांची ब्रांच शाखा प्रबंधक शहीद मोहतर ने बताया कि यदि कोई बीमार 2020 से पहले अपना बीमा करवा चुका है और उसका प्रीमियम नियम अनुसार लगातार भरा जा रहा है तो वैसे में अगर कोरोना से मौत होती है तो उसे पूरी राशि प्रदान की जाएगी। वहीं फिलहाल निजी इंश्योरेंस कंपनियां द्वारा भी एहतियात बरता जा रहा है। सारा एहतियात बरता जा रहा है सारे ऑफिसेस में। अभी स्पेशल कोरोना से घबराने की भी जरूरत नहीं है, है ना। उससे जो प्रिकॉशन है उसको हमको लेना है। उसके लिए पॉलिसी होल्डर के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप कोई विदेशों से आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट जारी किया, उस फॉर्मेट में अपना डिक्लेरेशन देंगे, है ना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना से अगर किसी की मौत भी होती है तो LIC में चूंकि इंश्योरेंस है तो हम लोग इंश्योरेंस कवर करते हैं, है ना। तो इसका घबराने की भी कोई बात नहीं, पूरा क्लेम मिलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। बिल्कुल, पहले से अगर उनकी पॉलिसी होगी, कितनी भी पॉलिसी होगी, हम उनको पूरा डेथ क्लेम देंगे। अगर उनका कोरोना वायरस से डेथ होता है तो हम लोग पूरा उनको सम इंश्योर जितनी की पॉलिसी है और वही देंगे देंगे पहले से अगर पॉलिसी है तो। और आज के डेट में अगर जो भी पॉलिसी हो रही है वो उनको एक हमारा जो उच्चतम जो हमारा कार्यालय है, हायर अथॉरिटी है, उन्होंने हमें फॉर्म भेजा है कि वो कोरोना वायरस से नहीं है, इस तरह से कुछ मैंने अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आप विदेश से अगर आए हैं तो भी उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम विदेश से आए हैं इतने तारीख को और हमको हमारे साथ कुछ ये इस तरह का रोग नहीं है कोरोना वायरस, ये देना पड़ेगा। यहाँ तक जागरूकता की बात है तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम मैक्सिमम पब्लिक रिलेशन में हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों से डेली हम लोग का मिलना जुलना होता है। उस केस में हम अपने अभिकर्ताओं पर एक जागरूकता अभियान चलाने का हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगर कहीं भी बाहर जाएं और किसी भी कस्टमर के साथ जैसे हम लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो हम लोग जनरली हाथ मिलाते हैं। अब हम लोग एक जागरूकता ये कर रहे हैं कि आप लोग हाथ ना मिलाएं और नमस्ते करें और दूसरा और भी कुछ आदाब करें, नमस्ते करें, जो भी है सत श्री अकाल बोलें, जो कुछ है इस तरह का बोलें और साथ में सैनिटाइजर जरूर रखें। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।